हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी हरे चने का चना मसाला। हरे चने जो सर्दियों के मौसम में आते हैं और जो खाने में बहुत हेल्दी होते हैं। एक मिक्सर जार में हम हरा लहसुन लेंगे, साथ में हरी मिर्च और सूखा लहसुन को भी लेंगे। साथ में हम धनिया जीरा लेंगे, हल्दी पाउडर लेंगे, नमक लेंगे और जीरा और थोड़ा सा गरम मसाला लेंगे। आप देख सकते हो हरे चने को मैंने छील के रखा है, इसको हम एक उबाल आने तक उबाल लेंगे पानी में। और साथ में हरे लहसुन को लेंगे, धनिया लेंगे और इसमें हम काजू और मगजतरी का पाउडर लेंगे और सूखे नारियल को लेंगे। एक प्याज चॉप करके लेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। अब हम हरा पेस्ट बना लेते हैं हमारे हरी मिर्ची का। अब एक कढ़ाई में हम तेल को गरम करेंगे और उसके बाद इसमें हम जीरे को डाल देंगे। जीरा भी हम अच्छे से गोल्डन फ्राई करेंगे। अब इसमें हम एक बड़ी प्याज को डाल देंगे। जीरा फ्राई हो चुका है, हम प्याज को भी हम गोल्डन फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्की सी गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो गई है। अब इसमें हम एक बड़ा चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट को डाल देंगे और उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था हरे मसाले का, इसको भी हम डाल देंगे इसमें। अब हम सारे मसाले को इसको अच्छे से मिला देंगे। हम मसाले को 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही हलाएंगे और पकाएंगे, जिससे अदरक लहसुन नीचे ना चिपके। और उसके बाद जो हमारे सारे मसाले थे, नमक हल्दी, इसमें वो डाल देंगे अब हम। और इसमें हम हरे लहसुन को डाल देंगे, मसाले में ही डालेंगे, थोड़ा रहने देंगे, हम थोड़ा गार्निशिंग के लिए रखेंगे। और उसको हम अच्छे से मिला देंगे हमारे मसाले में। हरे लहसुन से इसमें स्वाद बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी को डालेंगे और हमारे मसाले को 3 से 4 मिनट सुधी पकाएंगे। और उसके बाद जो हमने हरे चने को बॉईल करके रखे थे, अब इसमें वो डाल देंगे। और साथ में हमने जो काजू और मगजतरी का पाउडर बनाया था वो डाल देंगे। और साथ में हम सूखे नारियल को भी डाल देंगे हम। अब ये सारे मसाले को हम अच्छे से मिला देंगे चने में। ये विंटर में हमारे चने मिलते हैं जो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस आधे गिलास जितना पानी डालेंगे। और सारे मसाले को हम अच्छे से पका लेंगे 5 से 7 मिनट सुधी। पाँच से सात मिनट बाद हम चेक करेंगे हमारे मसाले को। आप देख सकते हो हमारे मसाले बिल्कुल रेडी है पककर, चने में अच्छे से अब्जर्व हो गए हैं। अब जो हमने हरे लहसुन को निकाल के रखा था वो डाल देंगे और साथ में हम धनिया को भी डालेंगे। तो बिल्कुल रेडी है हमारा हरे चने का चना मसाला। अब इसको हम चपाती रोटी के साथ सर्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की रेसिपी मिल जाए।